हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के इकोनॉमी के सेशंस में आज के इस चैप्टर में हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे देखेंगे कि दरअसल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स होते क्या हैं और ये कितने इंपॉर्टेंट होते हैं एक कंट्री के एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट से रिलेटेड और इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम में इंटरनेशनल फाइनेंशियल अरीना में एक कंट्री के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कितने क्रूशियल होते हैं उन सभी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो आइए शुरू करते हैं अंडरस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट सबसे पहले तो जानने की कोशिश करते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स होते क्या है देखिए द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स आल्सो नोन एज बैलेंस ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट्स समरराइज ऑल ट्रांसैक्शन कंट्रीज इंडिविजुअल कंपनीज एंड गवर्नमेंट बॉडीज कंप्लीट विथ इंडिविजुअल कंपनीज एंड गवर्नमेंट बॉडीज आउटसाइड द कंट्री मान लेते हैं कि इंडिया है और इंडिया में जितना भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है जो कुछ भी ट्रांजैक्शंस इंडिया में रहने वाले इंडियन सिटीजन्स इंडियन गवर्नमेंट यानी कि भारत सरकार और इंडियन कंपनीज़ जो बाहर के कंपनीज़ बाहर के गवर्नमेंट्स और बाहर यानी कि फॉरेन के इंडिविजुअल्स के, के साथ करते हैं उन्हें ही बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कहते हैं यानी एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के बीच या फिर लेन देन के बीच जो फर्क आपको बचता है अगर एक्सेस हो आप प्रॉफिट में है अगर नेगेटिव हो यानी कि आप लॉसेस में है तो इस तरीके से इंटरनेशनल अरिना में इंडिया और बाकी के कंट्रीज को लेकर जो कोई भी ट्रांसैक्शन चलते हैं उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कहा जाता है दिस ट्रांसेक्शन कंसिड्स ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स सर्विसेस एंड कैपिटल एज वेल एज ट्रांसफर पेमेंट सच एज फॉरन एड एंड रेमिटेंसेस देखिए याद रखिए ए टू जेड इवन एक रुपये भी अगर फॉरिन से इंडिया में आ रहा है और इंडिया का एक रुपये भी फॉरिन में जा रहा है तो कहीं ना कहीं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में उसे कंसिडर किया जाएगा आप देख सकते हैं कि इम्पोर्ट है एक्सपोर्ट्स है इवन सर्विसेस ऑफ गुड्स गुड्स भी वहाँ पर गुड्स एंड सर्विज भी आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे कैपिटल भी जो हम लगाते हैं जो इंडिया में आता है और जो इंडिया वाले बाहर लगाते हैं उसे भी कंसिडर किया जाता है कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड इट्स नेट्स इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजिशन टुगेदर कंस्टिट्यूट इट्स इंटरनेशनल अकाउंट्स यानी कि जो कुछ भी uh, किताबें हम मेंटेन करते हैं स्पेसिफिकली जो कोई भी अकाउंट हमारे पास है लेन देन का नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट वो सभी जो है कहीं ना कहीं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का ही हिस्सा है द सम ऑफ ऑल ट्रांसैक्शंस रिकॉर्डेड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स मस्ट बी जीरो एज लॉन्ग एज द कैपिटल अकाउंट इज डिफाइंड ब्रॉडली लेकिन ज्यादातर यह पॉसिबल नहीं है क्योंकि इंडिया जैसे कंट्री इंपोर्ट ज्यादा करता है एक्सपोर्ट बहुत ही कम

इफ ए कंट्री कैनॉट फंड इट्स इम्पोर्ट्स थ्रू एक्सपोर्ट ऑफ कैपिटल इट मस्ट डू सो बाय रनिंग इट्स रिजर्व अगर ये एक्सपोर्ट्स से जो है वो पैसा कमा नहीं सकता दो तो जो कोई भी रिजर्व उनके पास होते हैं फॉरन एक्सचेंज के रिजर्व स्पेसिफिकली इंडिया की बात करें तो आर बी आई के पास होते हैं तो जाहिर सी बात है कि एक्सपोर्ट्स अगर सही तौर पर ना हो एक्सपोर्ट अगर एक्सेस ना हो तो उस इम्पोर्ट्स की भरपाई करने के लिए उस लॉसेस की भरपाई करने के लिए हमें फॉरन रिजर्वस का इस्तेमाल करना पड़ेगा याद रखिए नाइनटीन नाइनटी वन में यही हुआ था कि हमारे पूरे फॉरन एक्सचेंज रिजर्व जो थे वो डिप्लीट हो चुके

कैपिटलोड सेंट्रल बैंक रिजर्व तो सेंट्रल बैंक के फॉरिन रिजर्व को निकाल के बाकी का जो अमाउंट है उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स किया जा सकता है ये तीन चंदे जो आपको जाननी थी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के बारे में थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो